फोटोशॉप के अंदर इस तरह का मूवी का पोस्टर कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे इस तरह का फिल्म का पोस्टर हम लोग डिज़ाइन करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आप भी इस तरह का मूवी का पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखें, सेम वो पोस्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, लेयर बाय लेयर मैंने डिज़ाइन किया है फ़ोटोशॉप के अंदर। और जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप फ़ोटोशॉप के किसी भी वर्सन में कर सकते हैं, चाहे फ़ोटोशॉप का नया वर्सन हो, चाहे लेटेस्ट वर्सन हो, चाहे पुराना वर्सन हो, सब में आप इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं मूवी का, फिल्म का। और ये अगर पोस्टर को ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे देखिए मेरे पास दो फ़ोटोज़ हैं, ध्यान से देखिए आप, नॉर्मल सा फ़ोटो है देखिए इस तरह का। और ये जो मैंने वेबसाइट से ये फ़ोटो लिया है, वेबसाइट का नाम है pixeless.com, यहाँ से ये फ़ोटो उठा के इसमें लगाया है। दूसरा एक और फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये है फ़ोटो, ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, pixeless.com नाम का वेबसाइट है, वहाँ से ये मॉडल का फ़ोटो लिया है, सिंपल सा, देख सही, देखिए वही सेम फ़ोटो है, और ये वाला भी फ़ोटो है। pixeless.com फेमस एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इस तरह का फ़ोटो ले सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस तरह का पोस्टर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो करना है, फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7 का यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो करना है, एक पेज लेना है, फाइल में जाइएगा, न्यू में क्लिक कीजिएगा, न्यू का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, एक साइज़ आपको लेना होगा। तो चूंकि मुझे ये सोशल मीडिया पे जो साइट है वहाँ पे शेयर करना है, इसलिए मैं इसका साइज यहाँ पे ले रखा है। चौड़ाई है 1080 पिक्सल, हाइट है 1080 पिक्सल, रेजोल्यूशन 72 है, मोड RGB कलर है, और बैकग्राउंड का कलर जो है वाइट रखा है। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब नॉर्मल सा देखिए यहाँ पे एक पेज आ चुका है। पेज लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एक और दो फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें आप फ़ोटो, ये देखिए एक फ़ोटो है, और यहाँ पे एक फ़ोटो और है, ये देखिए, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब ये फ़ोटो को ध्यान से देखिएगा, तो देखिए इसका बैकग्राउंड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, मतलब ये वाला फ़ोटो है देखिए यहाँ पे, ये देखिए सेम वही फ़ोटो है, ये देखिए। इस फ़ोटो का भी देखिए आप, यहाँ से देखिए इस फ़ोटो का, ये ओरिजिनल फ़ोटो है, इससे मैंने क्या किया है, यहाँ से पेन टूल से इसका कटिंग करके इसको क्या किया, नया पेज में PNG फॉर्मेट में इसको सेव कर दिया है। अगर आपको अच्छी तरह से पेन टूल का यूज़ आता है तो आप बेहतरीन ढंग से फ़ोटो को कटिंग कर सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन फ़ोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए ये फ़ोटो है, इसका भी मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर रिमूव करके इसको PNG फॉर्मेट में सेव कर लिया है, जिससे कि मैं इसका ये फ़ोटो को यूज़ कर पाऊँ। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, देखिए अब ये दो फोटो को रखेंगे, और अब हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, अपने पेज पे चले आते हैं। ये हम लोग अपने पेज पे चले आए, आने के बाद अब क्या करना है, इसका पहले बैकग्राउंड लेते हैं, यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें आप, एक बैकग्राउंड है जो आप इजीली मिल जाएगा इस तरह का लाइट के साथ बैकग्राउंड, ये देखिए। इस बैकग्राउंड को हम लोग यूज़ करेंगे, इसे ड्रैग करके हम लोग अपने पेज पे ले जाते हैं, ये देखिए इसको यहाँ पे ला के रखते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल टी के माध्यम से ये जो बैकग्राउंड है अपने पेज के बराबर वे में इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, ये बैकग्राउंड हमें मिल गया, कोई सा भी बैकग्राउंड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ये बैकग्राउंड लगा दिया, अब इसमें फ़ोटो लगाएंगे। तो ये जो बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया है इस फ़ोटो का, अब इस फ़ोटो को ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे अपने डिज़ाइन पे ले जाते हैं, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे ला के रखता हूँ। पहले इसको रखते हैं हम लोग, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या करना होगा। इसको क्लोज कर दिया, फिर ये वाला है फ़ोटो, इसको भी ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पे ले जाते हैं, हो गया, दोनों का काम यहाँ पर हो गया। अब इस फ़ोटो को ध्यान से आप देखें, आप ये देखिए फ़ोटो, और इस फ़ोटो को देखिए, दोनों का लुक ध्यान से देखिए। ये जो है देखिए, ये राइट हैंड साइड दिख रहा है, ये जो आर्टिस्ट है ये भी देखिए एक दूसरे को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कटिंग किया है फ़ोटो को, देखिए सब एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, देख सकते हैं लुक दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का लुक एक दूसरे से हमने सामने करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर करना क्या होगा, जिस लेयर पर ये फ़ोटो है, ये जो मॉडल का फ़ोटो है फीमेल का, उस लेयर को सिलेक्ट करना है, कर दिया है। अब यहाँ पर या तो कंट्रोल टी से इसका चेंज आप इधर से इधर कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे करके ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ऐसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ देखिए, एडिट में जाइएगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है और यहाँ पे देखिए फ्लिप हॉरिजेंटल, इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए लुक देखिए इधर आ गया, देख सकते हैं इसको इस तरह से लगा दिया है, लुक आ गया यहाँ पर। उसी तरह ये जो लड़का है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसका भी लुक इधर से इधर करना है। एडिट में जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, अब यहाँ से भी हम लोग कर देते हैं फ्लिप हॉरिजेंटल। देखिए अब दोनों का लुक एक दूसरे की तरफ हो गया, ये देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इस लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको ठीक यहाँ पे इसके इस तरह से लगा देते हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो इसको इस तरह से घुमा दीजिए, इसके लुक थोड़ा सा दिखे एक दूसरे की तरफ, ये देखिए थोड़ा सा लड़के का थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, घुमा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। देखिए देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए टावर से यहाँ से ऊपर तक है यहाँ तक, तो इसी तरह इसको भी करना होगा। देखिए आप थोड़ा सा देखिए, जब आप पोस्टर बनाते हैं चाहे कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको समय लगता है, जल्दी जल्दी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको। जब आप डिज़ाइन करें पोस्टर या कोई भी डिज़ाइन करने से आपको थोड़ा सा समय देना होगा, थोड़ा सा एक बार में होता नहीं है, हो गया। ये देखिए इसको इस तरह से लोगों ने लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है मॉडल है, देखिए ये पीछे चला गया, ध्यान से देखिए पीछे है, लेकिन हमारा डिज़ाइन में देखिए आप ये सामने है, देखिए कंधा देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा ये सामने है ये पीछे है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको इस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, जिस लेयर पे इसको ऊपर ले जाके इसे रखेंगे। देखिए अब कंधा देखिए ऊपर यहाँ पे आ चुका है, देखिए ये यहाँ पे लगा दिया, इसको आप चाहें तो ऐसे घुमा सकते हैं, हल्का सा घुमा दिया। उसके बाद ये जो लड़का है इसको पकड़ा मैंने, थोड़ा सा इसको और इस तरह थोड़ा सा ऊँचाई तक ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा और यहाँ तक ले जाते हैं, देखिए एक दूसरे को जैसे लगना चाहिए कि हाँ ये यहाँ पे हो गया, लग गया। अब इसके पीछे हमें लाइट एक लगाना होगा जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा लगे। ये मॉडल का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैट हो गया, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं, थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, ये यहाँ तक दिखना चाहिए, ये तो नीचे लेकर आते हैं, इसका थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, लग गया। आप चाहें तो इसके पीछे एक लाइट लगा सकते हैं। अब लाइट कैसे लगाते हैं वो भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले क्या करेंगे, इस फोटो को थोड़ा सा हम लोग लाइट थोड़ा सा शार्पनेस वगैरह बढ़ाते हैं चेहरे पे। देखिए अब इस मॉडल को सिलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पे एक टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉस टूल, डॉस टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक ब्रश ले लेते हैं, जैसे 100 वाला ब्रश ले लिया, यहाँ पर हाईलाइट दिया हुआ है। अब इसके चेहरे पर हल्का सा ये देखिए थोड़ा सा इस पर खिल जाए, जैसे हाथ पैर थोड़ा सा डार्क है इसको थोड़ा सा कलर कर देंगे, वालों पे भी थोड़ा सा इसको दे देंगे, ठीक है। उसी तरह लड़के को भी सिलेक्ट करेंगे और लड़के का भी चेहरा से हल्का सा इस तरह से, आप चाहें तो यहाँ से ओपेसिटी एक्सपोजर वगैरह जो है यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ये देखिए तो कम कर दिया तो हल्का, ये देखिए देखिए ये देखिए, ठीक है हो गया। स्टेप बैकवर्ड करेंगे थोड़ा सा लाइट, ठीक है हो गया। हो जाने के बाद थोड़ा सा समय देना होगा आपको, ये कर दिया, करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा लाइट लगाएंगे हम लोग, कंट्रोल के साथ माइनस करते हैं, ये देखिए हो गया। अब इसमें लाइट लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे एक लाइट लगाते हैं सबसे पहले, ये देखिए यहाँ तक तो सब आपको समझ में आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक लाइट लगाते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से लाइट ग्लो है इस पर क्लिक किया, अब इस लाइट ग्लो को ड्रैग कर, सिंपल सा लाइट ग्लो है, मिल जाएगा इजीली, ढूंढिएगा तो कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, पीछे लगाया मैंने, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पीछे लगा दिया, यहाँ पे पीछे लगाया। अब ये जो लाइट ग्लो है दोनों फ़ोटो के पीछे लगाया। अब लाइट ग्लो को आप चाहें तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा लाइट ग्लो, तो यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर ये जो लेयर है यहाँ देखिएगा नॉर्मल है, यहाँ ब्लेंडिंग का बॉक्स है, यहाँ पे ओवरले है, एक एक करके आपको यहाँ पे ये देखिए ओवरले करते हैं तो ऐसे दिख रहा है। अगर मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ तो इस तरह दिखेगा, ये देखिए स्क्रीन कर दिया, हो गया। अगर कम लग रहा लाइट तो इसी का एक कॉपी और बना लेते हैं, ड्रैग करके नीचे रखेंगे, ये देखिए आ गया। अब इसका एक कॉपी ये साइड में रखेंगे, इधर रखेंगे, तो इसका एक और कॉपी बनाते हैं, ड्रैग करके यहाँ न्यू लेयर का बटन है इस पर छोड़ेंगे और सिंपली यहाँ पर इसको इधर लगा देते हैं, हो गया। इसको आप कंट्रोल से छोटा बड़ा जैसा आपका दिल करे आप इसको कर सकते हैं, एकदम जितना रखना है रख सकते हैं, हो गया ये लग गया।
अब एक लाइट ग्लो इधर लगाना है तो इधर भी ड्रैग करके लगा सकते हैं, ना काफ़ी है, इसको बाद में भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे आप डिज़ाइन को देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ग्लो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पैर की तरफ है तो चेहरे पे भी है, तो एक लाइट ग्लो इसी को ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो इसका कॉपी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं इसके इस जगह पर, यहाँ पर इसके पैर के पास रख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। हो गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा देखिए आप इस डिज़ाइन को, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा जैसे आपको देखिए फील हो रहा है, से बीच में यहाँ पे ज़्यादा खिला हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए कंट्रोल के साथ पहले माइनस करूँगा, फोटो को छोटा किया, उसके बाद एक नया लेयर हम लोग क्रिएट करते हैं। हो गया। यहाँ पे ऊपर क्लिक करके एक नया लेयर क्रिएट किया करेंगे और यहाँ से ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे। अब ये जो ब्रश है देख सकते हैं इतना बड़ा है, यहाँ से कलर ब्लैक ले लिया। अब थोड़ा ब्रश का साइज हम लोग बड़ा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में ये है, ये जो आप कीबोर्ड दिखाई दे रहा है ये ब्रश का साइज़ को छोटा करने के लिए और ये बड़ा करने के लिए। अदरवाइज़ अगर यहाँ से नहीं खो पा रहा तो यहाँ पर स्लाइडर दिया हुआ ऊपर में, अब इससे भी यहाँ से धुंधला वाला आपको ब्रश लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, ये देखिए 1000 के आसपास, ये देखिए। ठीक है, अब हल्का सा अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखिए नीचे नीचे, ये देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा डार्क आ गया, ये देखिए देख सकते हैं इस तरह से डार्क आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। अब डिज़ाइन अब तब समझ में आएगा आपको, फिट ऑन स्क्रीन करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का कॉर्नर कॉर्नर डार्क हो गया। देखिए जैसे यहाँ पर ये डार्क आपको दिख रहा है कॉर्नर में, सेम इसी टेक्निक से मैंने किया, तो समय दे के किया है, ये हो गया। अब ज़्यादा करना है तो और भी कर सकते हैं। हो गया, यहाँ तक तो हो गया। ऊपर से एक और लाइट लगा सकते हैं, अगर आपको लगता नहीं यहाँ पे भी ज़्यादा लाइट हो गया है, अंधेरा हो गया है, तो इस लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ क्लिपिंग मार्क्स मास्क कर दीजिएगा, नीचे दिया हुआ बटन, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे वाइट, ब्रश टूल लीजिएगा। अब यहाँ से ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ज़्यादा छोटा हो गया, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से छोटा किया। अब इस यहाँ पर चेहरे पर ये देखिए जैसे जैसे ब्लैक पेंट हो कम लगे, मतलब यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट हमको करना है। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ तक हो गया, उसके बाद आपको सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद यहाँ पे जैसे नॉटी लिखा हुआ प्लस लव, यहाँ पे दो सिंबल इस तरह से दिया हुआ है, तो सिंपल है ये, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर मुझे लिखता है नॉटी, ये देखिए टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखिए नॉटी एंड AUGHTY, नॉटी लिख दिया। अब ये जो फॉन्ट मैंने यूज़ किया है, देखिए जो फॉन्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, फॉन्ट का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिलेक्ट किया। अब यहाँ से फॉन्ट का नाम है कॉमिक स्कैन है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे जो आपका ये है रैप टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जाते हैं स्टाइल, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप फ्लैग है, फ्लैग पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट मेरा हो जाएगा। इस तरह से नॉटी है, शरारती है, तो ऐसे करके इसको ऐसे हम लोग टेक्स्ट को कर दिया है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कलर अलग है, देखिए तो कलर मैंने क्या किया है, यहाँ से साड़ी जो आपको दिख रहा है इसी ड्रेस से मैंने साड़ी से ये कलर पिक किया है, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ से ये कलर लेंगे, ये देखिए ये वाला कलर, ये ज़्यादा खिलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से टाइप टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से जैसे इसको लेंगे, यहाँ से ओके कर देते हैं, ये देखिए कलर आपको दिख रहा है, देखिए ये देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पर कलर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लैक किया है मैंने, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अगर मैं ड्रॉप शैडो कर देता हूँ, देखिए आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ से ये देखिए यहाँ से नॉर्मल कर दिया, थोड़ा सा यहाँ ओपेसिटी बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो आपको देखिए शैडो स्प्रेड कर देंगे, साइज़ थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देंगे, ये देखिए अब आपको समझ में आ रहा। हो गया। उसके बाद लव लिखना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब लिखते हैं लव, ये देखिए मैं लिखता हूँ लव, सिंपल है, ये देखिए हेलो वी लव लिख दिया। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ये अलग फॉन्ट में लिखा है, फॉन्ट का नाम है रेस्टिन बोल के, FGHPQR आर है, तो यहाँ पे देखिए आप रेस्टिन बोल के इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक किया, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ये देखिए यहाँ पे आ गया, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे इसको, सिंपल है, इसको ऐसे घुमा देते हैं, साइज़ काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये मैंने छोटा कर लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कलर होना चाहिए दूसरा कलर, जैसे यहाँ पे जो कलर मैंने यूज़ किया देखिए आप,
यहाँ पे रेड है, उसके बाद पीछे वाइट है, स्ट्रोक दिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं रेड। ये देखिए मैं यहाँ से कर देता हूँ रेड, यहाँ पे हम लोग रेड, ये देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर सकता था, कर दिया रेड, ये देखिए हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जिस लेयर पे ये लव लिखा हुआ है यहाँ पे एलियर स्टाइल पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक किया, अब यहाँ से कर देते हैं हम लोग इसको वाइट, देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ, ओके। अब इसका साइज़ थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, ये देखिए ये हो गया, सिंपल है, ये लगा दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे दो हार्ट का सिंबल है, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब ये हार्ट का सिंबल है, PNGwing.com से लिया हुआ है, वेबसाइट है, यहाँ से इस तरह का। अब इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पे ले जाते हैं, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल टी फिर ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरह इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए छोटा किया, अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे इस जगह पे हम लोग लगाते हैं। इसका एक कॉपी चाहिए तो ऑल्ट के साथ और एक कॉपी बना लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए आप चाहे तो इसको यहाँ लगा दीजिए या आप यहाँ लगा दीजिए, जैसा आपका दिल करे ऐसे लगा दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ सिंपल है, जैसे ये देखिए जैसे GS मूवी लिखा है सिंपल, उसी तरह आपको GS मूवी ये लिखा हुआ है, इसी को मैं ले जाता हूँ यहाँ से कॉपी करके, सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिख देना है, इस तरह से लिख दिया, उससे नीचे लिखा हुआ कुछ यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है तो यहाँ से उठाते हैं। लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी ट्यूटोरियल लंबा हो जा रहा है, जो लिखना था शॉर्ट मूवी लिखा हुआ है, सिंपल में लिखा हुआ है, बस आपको लिख देना है, देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे इसको भी ड्रैग करके हम लोग अपने डिज़ाइन पे ले जाते हैं, टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद ये देखें, ये देखें यहाँ पे आपको लगा देना है इस जगह पे, थोड़ा इसको एरो की टाइप कर लेना, ये कोई मुश्किल नहीं है, मतलब मेन अब मैं समझा रहा था कि ये कैसे बनाते हैं कैसे करते हैं। हो गया, हो जाने के बाद जैसे नॉटी को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे आप देखें, आप नॉटी को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ये ढक जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर से इधर लगाएंगे, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, दिखने में अच्छा लगेगा, यस दिस इज़ गुड। नॉटी को और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, आप अकॉर्डिंग टू आपका विश, ये बन गया है। अब इसमें एक कलर और भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये कलर था, ये वाला था, इसको ऑल्ट पकड़ते हैं और यहाँ से इसको ऊपर, यहाँ ऊपर लगाएंगे, देखिए इसको, ये देखिए सबसे ऊपर ले जाते हैं, उसी लाइट को कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, देखिए आ गया यहाँ पे, एकदम यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्रीन है, इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। पोस्टर देख लीजिए बन के प्राय तैयार हो गया, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अगर ये स्क्रीन नहीं अच्छा लग रहा तो ओवरले करके देख लेते हैं, ये देखिए ये गुड ओवरले कर दिया, इसको और थोड़ा सा इसको यहाँ तक, ये देखिए, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, और इसको यहाँ तक ले जाते, यहाँ रखते हैं। प्राय मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ये देखिए थोड़ा सा इसको और लंबा करेंगे, और इसको ये जो लव लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा, तो कहाँ लिखा हुआ है भाई, चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सही करेंगे हम लोग, जैसे लव लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा और थोड़ा पतला करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ तक रखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा लगे, ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, फाइनली हम लोग यहाँ से इसको एक नया लेयर क्रिएट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और लेटर ई प्रेस करेंगे तो सारा लेयर मर्ज होके एक नया लेयर में तब्दील हो जाएगा। उसके इमेज में एडजस्टमेंट में जाके यहाँ लेवल करते हैं, लेवल में थोड़ा सा इसका लाइट और बढ़ा देते हैं, डार्क कर देते हैं,
ताकि थोड़ा तो गाढ़ापन आ जाएगा डिज़ाइन में। ये देखिए थोड़ा सा अगर लाइट बढ़ा देते हैं इधर, ये देखिए यहाँ तक ठीक है हो गया। हो जाने के बाद उसके बाद इसको फाइल में जाके यहाँ पे इमेज में एडजस्टमेंट में जाइए, उसके बाद थोड़ा तो कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ज़्यादा लाइट हो गया कोई दिक्कत, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बन गया। उसके बाद फाइल में जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि काफ़ी लंबा हो जाता है ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे जेपैक ले लेते हैं, एक नाम दे देंगे यहाँ पे, जैसे अनटाइटल वन कॉपी रखते हैं। अब इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे जेपीजी, यहाँ पे 12 मैक्सिमम, ओके पे क्लिक करेंगे, हो गया। ये तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये फोटोशॉप के अंदर है। अब चलिए बाहर निकल के देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आप यहाँ पे मूवी पोस्टर है, इसके अंदर बना हुआ है, देखिए देख सकते हैं अनटाइटल कॉपी वन जो नाम से सेव किया हुआ था। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई देखने में कैसे। ये तो पहले वाला है जो अब जो हम लोगों ने बनाया है, ये देखिए पोस्टर, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा खिला हुआ पोस्टर ये नज़र आ रहा है। देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, जो अभी हम लोगों ने बनाया, देखिए अनटाइटल वन कॉपी देख सकते हैं फोटो। तो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया, हो सकता है कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे इस तरह का मूवी का पोस्टर बनाएंगे। सिंपल से दो फोटो लेके यहाँ पे मैंने इस तरह का पोस्टर बना दिया है, और थोड़ा सा समय देके आपको बनाना होता है। जब भी आप पोस्टर वगैरह बनाएं उसमें समय लगता है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल है इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समय ना लूँ और जल्दी बता सकूँ। और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।